रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है इन एक्स, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, यदि हम उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर इक्वल टू एफ। रिमाइंडर कितना आता है, एफ ए आता है। किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को यदि हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है एफ ए, रिमाइंडर एफ ए के इक्वल होता है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, एग्जाम्पल ले लें इजी। इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, सपोज करो एफ एक्स को x माइनस थ्री से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर इज एफ थ्री। एग्जाम्पल में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर पॉलिनोमियल को टू एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। ओके, तो देखो हम टू एक्स प्लस वन को पहले जीरो की इक्वल करें तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ होगा x इक्वल। अब लेट इसे देखते हैं, हमारे पास ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर। एफ एक्स इक्वल टू इस पॉलिनोमियल को क्या सब कुछ कर लिया गया, एफ एक्स कर लिया है। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या हुआ, एफ माइनस वन बाई टू होगा, तो रिमाइंडर एच एफ माइनस हाफ होगा, क्या होगा, एफ माइनस हाफ रिमाइंडर होगा। तो इसमें जहां जहां एक्स लिखा है उधर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस हाफ पुट करना पड़ेगा। सो पुट एक्स इक्वल टू माइनस हाफ इसमें। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। दिस इज माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एट इंटू माइनस वन बाई टू प्लस। ओके, सो दिस इज वन बाई फोर प्लस फोर प्लस फोर। ओके, हमने क्या किया कि इसमें जहां जहां एक्स था वहां पर माइनस वन बाई टू को पुट किया, तो माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एट इंटू माइनस वन बाई टू प्लस फोर, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस फोर फोर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो फोर वन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन दिस इज थर्टी थ्री अपॉन फोर, सो एट वन बाई फोर। दिस इज द रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर को 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये रिमाइंडर मिलेगा। हमने इसको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट किया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि यदि हम एफ एक्स को x माइनस थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ थ्री होगा। ओके, तो इसमें 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 को हम जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, वह x की वैल्यू हम दिए हुए पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। इससे हमें फैक्टर थ्योरम। ओके, व्हेन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस, जब किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इक्वल टू एफ। रिमाइंडर क्या होता है, एफ होता है। ये हम रिमाइंडर में पढ़ चुके हैं कि किसी पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एफ होता है। एंड इफ रिमाइंडर एफ इक्वल टू जीरो, यदि रिमाइंडर जीरो आता है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ। ओके,
यदि किसी पॉलिनोमियल को सपोज करो हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आता है, जीरो आता है, तो वह x माइनस ए पॉलिनोमियल का क्या होगा, वेक्टर होगा। ओके, एक एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, हम उससे एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर निकालते हैं कितना आ रहा है, रिमाइंडर एक्स माइनस थ्री को हम जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दें तो एफ थ्री निकाले आते हैं, एफ थ्री दिस इज थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, दिस इज नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, दिस इज 15 माइनस 15 इक्वल टू 15 माइनस रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो x माइनस थ्री क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। नीचे बात है जब रिमाइंडर जीरो आता है तो वह फैक्टर होगा। नेक्स्ट इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है तो एक्स माइनस टू से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके, करते हैं एक्स माइनस टू को हम जीरो के इक्वल करेंगे सबसे पहले तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा। अब लेट इसको हम एफ एक्स ले लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू ए। ओके, अब इसमें हम एफ की जगह एक्स की जगह क्या पुट करें, टू पुट करें तो एफ टू निकाल लें, दिस इज टू स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू प्लस कर लिया। अब F2 क्या है, रिमाइंडर है, अब यहाँ पर यह फैक्टर है तो F2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो जीरो इक्वल टू फोर माइनस फोर्टीन प्लस ए, तो दिस इज ए माइनस टेन, ए माइनस टेन दिस इज टू ए। ओके, सो माइनस टेन इक्वल टू टू इक्वल टू टेन और इक्वल टू क्या होगा, फाइव हो जाएगा, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। ओके, इन ईच केस द रिमाइंडर फर्स्ट एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ओके, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ओके, तो हम इसमें दो एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। अब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसमें एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे तो हमें वो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा वन रेज टू पावर फोर माइनस थ्री वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, दिस इज वन माइनस थ्री प्लस टू प्लस वन, दिस इज फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू वन हो गया। ओके, अब सेकंड देखिएगा एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू को हम जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसमें एक्स की जगह टू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा तो आर इक्वल टू टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस फोर, दिस इज एट प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर, दिस इज ट्वेंटी
प्लस फोर, तो 24 माइनस 24 इक्वल हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। थर्ड, अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड एक्स प्लस वन है, यहां पर एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 को हम जीरो के कुल करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 आएगी। अब रिमाइंडर के लिए हमें इसमें एक्स की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेस टू पावर 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, सेकंड है सो डेट, ओके सो डेट फर्स्ट एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50, सेकेंड 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। बताना है फर्स्ट में कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो आंसर x माइनस 2 को फर्स्ट का आंसर है, ठीक ना, x माइनस 2 को हम जीरो के कुल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो वह क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ओके सो पुट एक्स इक्वल टू 2 इन 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50, तो जो रिमाइंडर होगा आपका क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 माइनस 50, अभी कितना हो जाएगा, 4, 40 हो गया, 20 हो जाएगा, 5 हो गया 20, 20 प्लस 30 माइनस 50 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 है, हेंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, r इक्वल टू 0, hence x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50। ओके नाउ सेकंड, सेकंड का सेकंड, 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, हमें प्रूव करना है, तो सेकंड का सेकंड आंसर x माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 को हम जीरो के इक्वल करेंगे। ओके तो 3x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाय 3 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 बाय 3। अब पुट x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 इन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो रिमाइंडर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, रिमाइंडर, दिस इज 3 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 बाई 3 माइनस 2। हमने क्या किया, इसमें x की जगह माइनस 3 बाई 2 पुट कर दिया, दिस इज 3 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2, ये क्या है, रिमाइंडर है, तो r इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 3 4 प्लस 2 माइनस 6 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0, रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर इक्वल टू क्या निकला, 0 निकला, हेंस
माइनस टू इज फैक्टर ऑफ नो हैंस एक्स माइनस टू क्या है यहां पर एक्स माइनस टू नहीं है एक्स थ्री एक्स प्लस टू है थ्री एक्स प्लस टू इज फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर होगा ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टर होगा रिमाइंडर जीरो निकला है जब रिमाइंडर जीरो आता है तो यह क्या होगा इसका फैक्टर होगा द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट ए एंड बी व्हेन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है साथ में एक्स प्लस थ्री भी इसका फैक्टर है ओके तो हमें ए और बी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है ओके एक्स माइनस टू इज फैक्टर फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन तो एक्स की जगह हम टू रखेंगे इसमें क्या रखेंगे टू रखेंगे एक्स माइनस टू को हम जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू टू आएगी अब वो वैल्यू टू इसमें हम रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है जीरो आएगी टू का क्यूब प्लस ए टू स्क्वायर प्लस बी टू माइनस वन इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा एक हो जाएगा ए प्लस फोर ए प्लस टू बी माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इज 4a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू जीरो 4a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे 2 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू जीरो तो दिस इज 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 1 अब x प्लस थ्री भी इसका फैक्टर है x प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन तो हम जब x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करेंगे x प्लस थ्री को हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस थ्री मिलेगी वो माइनस थ्री इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो माइनस थ्री का क्यूब प्लस ए माइनस थ्री स्क्वायर प्लस बी माइनस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इज 27 माइनस का प्लस 9 ए माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू जीरो ओके सो दिस इज 9 ए माइनस 3b माइनस 39 इक्वल टू जीरो माइनस 39 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लें थ्री कॉमन लेने के लिए क्या हो जाएगा थ्री ए माइनस बी माइनस 13 इक्वल टू जीरो दिस इज थ्री ए माइनस बी माइनस 13 इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा अब हम इन दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर बी का कोफिशियंट प्लस है यहाँ पर बी का कोफिशियंट माइनस है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें ओके वन प्लस टू इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू को ऐड कर दें दिस इज टू ए प्लस बी माइनस टू प्लस थ्री ए माइनस बी माइनस 13 इक्वल टू जीरो प्लस जीरो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दिया गया राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ दिया गया तो बी से भी
कैंसिल हो जाएगा, उनको ये प्लस ये कितना हो जाएगा, फाइव, कितना हो गया, फाइव हो गया। दिस इज माइनस 15 इक्वल टू जीरो, फाइव ए इक्वल टू 15, सो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। पुट वैल्यू ऑफ ए इन वन, ए की वैल्यू वन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इन वन, इक्वेशन वन में ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए वन ले अपना, तो टू इंटू थ्री प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज सिक्स प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इज बी इक्वल टू माइनस फोर, बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस फोर आ गया। ए की वैल्यू, अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए की वैल्यू थ्री है, ए इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू माइनस फोर, दिस इज अवर आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस टू इसका फैक्टर है, इसमें x की जगह 2 रखा और 0 के इक्वल करके सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन बन गया। फिर x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे, इसमें x की जगह माइनस 3 रखा, x की जगह माइनस 3 रखा और 0 के इक्वल कर दिया, दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या किया, सॉल्व किया और अपना आंसर आ गया, ए की वैल्यू 3 आई, बी की वैल्यू माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3k प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस k माइनस 1। ओके, 2x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। इफ वी पुट x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इन दिस एक्सप्रेशन देन इट विल इक्वल टू 0, सो 3k प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 का क्यूब। ओके, वी पुट माइनस 1 बाय 2 एट द प्लेस ऑफ x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज माइनस 1 अपॉन 8 प्लस k माइनस 1, इस सारे के सारे पोजिशन को हम राइट हैंड साइड ले गए, तो k माइनस 1 इक्वल टू 3k प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। ओके, अब इफ वी पुट एक्स इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन इट विल बिकम 0। ओके, सो 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 6 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2a 2 क्यूब प्लस 6a 2 स्क्वायर प्लस 4a 2 प्लस 8 इक्वल टू। ओके, नाउ दिस इज 2 इंटू 32 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 2a इंटू 8 प्लस 6a इंटू 4 प्लस 8a प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज 64 माइनस 96 माइनस 16a प्लस 24a प्लस 8a प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, 24a प्लस 8a 32a 32a माइनस 16a सो दिस इज 16a। ओके, इक्वल टू 96 पॉजिटिव, दिस इज माइनस 64 माइनस। ओके, तो 16a इक्वल टू दिस इज 2 3 माइनस 8
16 a इक्वल टू 24 a इक्वल टू 24 अपॉन 8 24 अपॉन 16 दिस इज 3/2 a इक्वल टू 3/2 इज अवर आंसर. ओके x³ + 2x² - kx + 4 इज डिवाइडेड बाय x - 2 द रिमाइंडर इज k. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट k. ओके x - 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलता है k मिलता है. ओके सो x = 2 इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी k के इक्वल होगी. x - 2 0 x = 2 इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर यदि पुट x = 2 इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट k. हमें क्या मिलना चाहिए k मिलना चाहिए. तो 2³ + 2 × 2² - k × 2 + 4 = 3. ओके सो दिस इज 8 + 8 - 2k + 4 = 3. ओके अंडरस्टूड. दिस इज 20 = k + 2k. सो दिस इज 3k = 20 और k = 20/3. k इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा. ओके अंडरस्टूड. x - 2 को इससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है रिमाइंडर k मिलता है. तो x की वैल्यू इसमें हम 2 पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा k के इक्वल होगा. नाउ नेक्स्ट इफ x³ + ax² + bx + 6 हैड x - 2 एज अ फैक्टर. x - 2 क्या है इसका फैक्टर है. एंड लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3. x - 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है 3 आता है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ओके x - 2 = 0 x = 2. अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 2 तो x - 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा. सो दिस इज 2³ a × 2² b × 2 + 6 रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा. तो रिमाइंडर 0 आ गया. x - 2 इसका फैक्टर है तो 2 से x की वैल्यू 2 रखने पर इसमें हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा तो वो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा. ओके तो दिस इज 8 + 4a + 2b + 6 = 0. दिस इज 4a + 2b = -14. 2 से डिवाइड कर दे इसको तो 2a + b = -7. दिस इज इक्वेशन 1. ओके 2a + b = -7 दिस इज इक्वेशन 1. नाउ x - 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 3 मिलता है. ओके सो पुट x - 3 = 0 सो x = 3 आ जाएगा. अब इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा जब इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए. तो इसकी वैल्यू 3³ + a³² + b³ + 6 = क्या होगा 3 होगा. इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा. ओके दिस इज 27 दिस इज 9a दिस इज 3b इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 3. ओके सो 9a + 3b
इक्वल टू, दिस इज 33 माइनस 33, 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 30, 3 से डिवाइड कर दे तो 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 10, इससे इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 10। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ओके, दिस इज इक्वेशन 1, ओके, तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से हम b की वैल्यू लिया, इससे b की वैल्यू निकाले, b इक्वल टू कितना होगा इसमें माइनस 10 माइनस 3a, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, b की वैल्यू 1 में पुट करने पर तो 2a प्लस माइनस 10a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 7, दिस इज 2a माइनस 10 माइनस 3a इक्वल टू माइनस 7, ओके, सो दिस इज 2a माइनस 3a माइनस 8, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 10 राइट प्लस 10 हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू माइनस 3, दिस इज अवर आंसर। 2a माइनस 3a करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस 10 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 10 माइनस 7 माइनस a इक्वल टू 3, a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। और नंबर शुड बी एडेड टू 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x सच दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, द रिमाइंडर इज 8। इस एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए जिससे एक्स माइनस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आए 8 आए, ओके, लेट के शुड बी एड k should be है, k को एड किया गया, k should be है, ओके, so expression is become 3x square minus 3x cube minus 5x square plus 6x plus 8, ओके, अब इस expression को x minus 3 से divide किया जा रहा है, then remainder is k, if दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, रिमाइंडर बिकम 8, ओके, सो एक्स इक्वल टू हम 3 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू 3, 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर 6 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू क्या होगा रिमाइंडर होगा, तो ये रिमाइंडर इज 8, यहां पर हम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, ओके, दिस इज 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 प्लस 18 प्लस k इक्वल टू 8, 3 इंटू 27 माइनस 5 दिस वन इज 3 इंटू 27 दिस इज 81, क्या होगा ये 81 होगा, माइनस 45 प्लस 18 प्लस के इक्वल टू 8, ओके, अंडरस्टूड, सो के इक्वल टू हो जाए के इक्वल टू 8 माइनस 81 प्लस 45 माइनस 18, एक एक की वैल्यू आ गई, ओके, के इक्वल टू माइनस 99, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 99 आया, इन दोनों को ऐड किया 53, ओके, के इक्वल टू माइनस 46, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 में क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए
such that when dividing by x minus 2, the remainder is 10. इसमें ऐड किया गया था, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए कि रिमाइंडर 10 हो जाए जब हम उसे x माइनस टू से डिवाइड करें. ओके, सो लेट k शुड बी सब्सट्रैक्टेड, k शुड बी सब्सट्रैक्टेड, k सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें k सब्सट्रैक्ट किया गया. ओके, सो दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 माइनस k. ओके, एक्सप्रेशन ही बन गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 माइनस k. देन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 10. टू का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में हम 2 रखेंगे, माइनस 8 इंटू 2 प्लस 14 माइनस k इक्वल टू रिमाइंडर इज 10. सो दिस इज 8 प्लस 12 माइनस 16 प्लस 14 माइनस के इक्वल टू 10. ओके, दिस इज 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 14 34, 34 माइनस 16 माइनस के इक्वल टू 10. ओके, अब इस k को हम इस तरफ ले जाए तो k इक्वल टू 34 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 18 बचेगा. 18 माइनस के इक्वल टू 10, 18 माइनस के इक्वल टू 10, सो के इक्वल टू हो जाएगा अपना 18 माइनस 10 इक्वल टू के, 8 इक्वल टू के, के इक्वल टू 8. दिस इज अवर आंसर, के इज 8. पॉलीनोमियल्स 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16 लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. इसको x माइनस 2 से डिवाइड करने पर और इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करने पर दोनों में रिमाइंडर कैसे आते हैं, सेम आते हैं. तो आर वन पहले का रिमाइंडर हम फाइंड आउट करें, आर वन क्या होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 6. ओके, सो दिस इज आर वन इक्वल टू 16 माइनस 28 प्लस 2a माइनस 6. आर वन इक्वल टू, ओके, दिस इज माइनस 18 प्लस 2a, दिस इज द आर. नाउ इफ x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय, ओके, सो इस एक्सप्रेशन को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर सब कुछ करो i2 मिलता है. ओके, सो i2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2 माइनस 16. आर टू इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 4a प्लस 2 माइनस 16. आर टू इक्वल टू 8 माइनस 32 प्लस 4a 2 माइनस 16 माइनस 14. ओके, सो आर टू इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 32 क्या होगा, दिस इज माइनस 24 प्लस 4a माइनस 14, सो दिस इज 4a माइनस 38, दिस इज आर टू. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आर वन एंड आर टू आर इक्वल, आर वन एंड आर टू इक्वल अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आर वन इक्वल टू आर टू, आर वन और आर टू कैसे हैं आपस में इक्वल है, रिमाइंडर कैसे हैं सेम है, सो दिस इज माइनस 18 प्लस 2a इक्वल टू 4a माइनस 38, ओके 2a माइनस 4a इक्वल टू माइनस 38 प्लस 18, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 20, a इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2, a इक्वल टू 10, आंसर इज 10, ओके okay?